हाल ही में भारत में मदर्स डे का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर में कई संस्थाओं द्वारा मातृ दिवस को मनाने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। वैसे तो साल के 365 दिन ही माँ को समर्पित करने के लिए कम है, पर एक दिन हमें कुछ उनके लिए स्पेशल जरूर करना चाहिए। इस लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, एक सिंगल लेडीज के लिए तो खास तौर से बहुत ही गंभीर, लेकिन फिर भी मैं तो मानती हूँ कि हर परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसे बहुत अच्छे से निभा के चलना चाहिए। सन 1905 में एना जार्विस द्वारा सबसे पहली बार मदर्स डे मनाया गया था, तब से ये काफी चर्चित हो गया है। हमारे समाज में सिंगल मदर्स भी किसी योद्धा से कम नहीं है। जहां एक तरफ वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाती हैं, वहीं दूसरी तरफ वह अपने बच्चों का ख्याल भी रखती हैं। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ हमारे जीवन का वह अंग है जिसके बिना हम अपने होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ के बिना यह धरा जीवन विहीन है। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है और माँ ही वह है जिसके आसपास हमारे जीवन का सारा चक्र घूमता रहता है। ।2019-20 की रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1.3 करोड़ सिंगल मदर्स भारत में रहती हैं। हम प्रणाम करते हैं सभी माताओं को, क्योंकि उनका समर्पण हमारे लिए अतुल्य है। साल के 365 दिन हमारी मदर्स हमारे लिए कुछ स्पेशल जरूर करती है, तो एक दिन हमें उनके लिए भी निकालना चाहिए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। कैमरामैन जयवर्धन के साथ यशस्वी अग्रवाल, लेक सिटी लाइव, भोपाल।